आइए आज का अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा सामने के माइक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले गुसुल का तरीका, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले गुसुल का तरीका दिखाएगा। मैं कड़पा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। वहाँ गुसुल नहलाने वाले वो दरगाह पे जाते शिर्क करते रहते, क्या वो उन्हों गुसुल नहलाते वो कबूल होता नहीं? देखिए ये सब आप लोगों को तरीका इसलिए बताया ताकि आप लोगों के जहन में ऐसे कोई शक और शुभात हैं तो आप लोग खुद अपनी मैयतों को गुसल दें। हमारे पास एक और मसला राइज है, शौहर जैसे ही बीवी मर गई शौहर के लिए बीवी क्या हो गई? अगर बीवी हराम हो गई तो पैदा हुई सो औलाद क्या रहे फिर हलाल है? ये गलत अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं, ऐ आयशा अगर तू मुझसे पहले मरेगी तो मैं तुझे गुसल दूंगा। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। नबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा क्या बात है क्यों रो रही है? वो कहती हैं, आप चाहते हैं मैं जल्दी मर जाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेशानी मुबारक पर हाथ रखकर कहा, तुम औरतों से यही मुसीबत है, अच्छी बात कहो तब भी टेढ़े माने निकालोगे उसमें। तो अपने घर में भी बीवियों को बोलते वक्त पहले एक किस्सा सुनाओ उसके बाद बोलो अगर तुम मर गए तो मैं गुसल दूंगा। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत, अगर मुझे उतने सब मालूमात होते गुसल देने के मैयत को तो मेरे नबी को मैं खुद गुसल देती। इससे क्या साबित हुआ? शोहर बीवी को दे सकता है और बीवी लेकिन बाकी किसी को नहीं दे सकते। आप बहन को नहीं दे सकते, बहन भाई को नहीं दे सकती, सिर्फ मियां बीवी एक दूसरे को दे सकते। ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। और भाई का जो सवाल है कि जो बताने की वजह से आपको एक शक था वो दूर हुआ, इसको सीख लीजिए। आप एक नई दुकान खोलिए, दुआ करिए, अरे अल्लाह मेरा कारोबार खूब चले, बोल के कफन की खोलो।